सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जिंदगी इजी और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है दिस वन सिट्रा। एक्चुअली मैं बता दूँ आपको कि ये तो पिंक पर्ल फेयरनेस के लिए वाली क्रीम आती है। इसकी एक और क्रीम आती है जो जिसमें टी ट्री मिला हुआ है और वो पिंपल प्रोन स्किन के लिए आती है वो क्रीम। और इसके फेस वॉश भी आते हैं, इसका पिंक पर्ल का एक फेस वॉश आता है और टी ट्री वाला पिंपल प्रोन स्किन का भी फेस वॉश आता है। तो आप चाहें अगर तो आप फेस वॉश के साथ इस क्रीम को परचेस कर सकते हैं। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर की पैकेट है इसकी और पर्ल यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, फ्रेश लुक दे रहा है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़ है फ्रेंड्स, 99 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट है। अगर मैं बात करूँ, ये 30 ग्राम का ट्यूब है और 99 रुपीज़ जो है कॉस्टिंग है इसकी। ये क्लेम करता है कि आप ये आपके स्किन को जो है फेयर करता है, नरिशेज एंड स्मूथन स्किन सर्फेस, प्रोवाइड्स इंस्टेंट लिमिनस इफेक्ट, रिड्यूसेस डार्क मार्क्स, इवेंस आउट स्किन टोन फ्रॉम डीप इनसाइड। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें क्लेम कर रहा है, आपके स्किन को नरिशमेंट देता है, स्मूथनेस देता है, फिर इंस्टेंट एक ल्यूमिनस इफेक्ट दे रहा है, फिर डार्क स्पॉट्स जो है उसको रिड्यूस करता है और स्किन टोन को इवन करता है अंदर से, इनसाइड योर यू नो स्किन के अंदर से आपके जो स्किन टोन को है वो एक एनहांस करता है। तो आइए मैं आपको उसके अंदर की चीज़ें दिखाती हूँ। ये ऐसा दिखता है कुछ, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका जो कि इजी टू यूज़ है। इसको मैं कह सकती हूँ कि वो झंझट नहीं है क्रीम वाली, ये पंप शेप में है। आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करो, ये है इसका कैप, और यहाँ से आप पंप करोगे तो क्रीम निकलेगा। मैं आपको यहाँ से क्रीम निकल रहा है, मैंने क्रीम निकाली है, ये क्रीम निकली है इसकी और ये बिल्कुल वाइट जो है क्रीम है, बहुत ही वाइट है। मैं कह सकती हूँ गार्नियर का, अगर आपने फेयरनेस क्रीम अगर गार्नियर की आपने लगाई है तो स्मेल भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही है और ये बहुत तेज स्मेल है इसकी, बहुत तेज। ये वैसा ही टेक्सचर है इसका, बिल्कुल गार्नियर का आपने अगर फेयरनेस क्रीम यूज़ किया है तो बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल ऐसा है कि पानी जैसा है, देखिए, बट ये आपको लग रहा है पानी जैसा जब आप ये इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैं आपको स्किन पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये जल्दी से स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल तुरंत इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होता है। जैसे फेयर एंड लवली हम लगाते हैं तो तुरंत हमारी स्किन पे जो है, अगर हमने जल्दी से उसको मिक्स नहीं किया तो वो ड्राई हो जाता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही करता है, अगर हमने जल्दी से इसको नहीं मिलाया तो ये ड्राई हो जाता है स्किन पे। और मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल गायब हो चुका है ये। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये देखिए फर्क आपको दिखेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये आप फेयरनेस क्रीम ये अंदर से काम करता है या नहीं, ये बात तो मालूम नहीं चल पाई है अभी तक, क्योंकि ये क्रीम बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि गार्नियर की क्रीम है, फिर पॉन्स की वाइट ब्यूटी है वो है, फिर फेयर एंड लवली है, बिल्कुल वैसी ही सिट्रा ने जो है ये क्रीम निकाली है। तो इसे लगाकर आप बाहर जा सकते हैं, इसके ऊपर से आप कोई भी, इसमें एक्चुअली SPF नहीं मिला है तो ये बहुत एक इसमें डिफॉल्ट है क्योंकि इसमें SPF नहीं है। अगर SPF होता तो आप इसे विदाउट कॉम्पैक्ट, विदाउट सनस्क्रीन आप इसे बाहर लगा कर जा सकते थे, बट इसमें SPF नहीं है।
और अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो जैसा फेयरल अभी आपकी स्किन पे जो लुक देता है बिल्कुल वैसा ही ये भी आपके स्किन पे एक लुक देगा, वाइट आपके स्किन को ये थोड़ा सा एक वाइट लुक देगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। और फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि जैसे कि सारे फेयर एंड लवली भी कुछ ऐसा ही क्लेम करता है कि वो फेयरनेस क्रीम है, प्लस गार्नियर भी और मॉन्स भी, तो ये सारे क्रीम क्लेम तो करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्लेम करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हम सिर्फ इसे एक बाहर जाने की क्रीम समझ के हम इसे लगाते हैं अपने चेहरे पे और बस इसे वॉश कर लेते हैं। तो ठीक सिट्रा भी वैसी ही क्रीम है, आप इसे बस जनरली आप इसे चेहरे पर लगा सकते हैं, इसका कोई इससे आप कोई उम्मीद ना रखिए कि आपके स्किन को बिल्कुल पिंक पर्ल जैसा पिंकिश लुक पिंकिश बना देगा, डीप इन साइड आपके स्किन पे वर्क करेगा पिजामा लेयर पे और आपकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने इसे रात में अप्लाई किया है, बेड टाइम पे भी अप्लाई करके देखा है, तो ऐसा तो कोई भी रिजल्ट मुझे नज़र नहीं आया। अगर मैं बात करूँ पिंपल प्रोन स्किन की तो बिल्कुल आप बेशक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल सही है और जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए भी बिल्कुल सही है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगी कि सिट्रा इज इक्वल टू फेयर एंड लवली कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज तो मैंने आपको बताया सिट्रा फेयरनेस क्रीम का रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अपनी तरफ से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू मुझसे चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।